अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि महरीन शिब्रा के घर पहुंच जाती है ताकि वो सब बातों का पता लगा सके। और उसे वहां जाकर पता चलता है कि शामिर यहां पर आकर फजल बख्श बना हुआ है और वहां पर आके रह रहा है। इस तरह वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर चली जाएगी और शिब्रा से कुछ भी शेयर नहीं करेगी कि फजल बख्श शामिर है। और इसी तरह फिर शिब्रा फजल बख्श से कह रही होगी कि वो समझती है कि अगर उसके माँ बाप रिश्ते के लिए ना माने और तो उसकी शादी कहीं और हो गई तो तुम्हारा क्या होगा। फिर फजल बख्श कहता है कि तुम नहीं समझोगी। फिर शिब्रा कहती है कि ओके। और दूसरी तरफ मलीहा फराज को समझा रही होती है कि अगर शामिर को पता चल गया कि तुमने उसे धोखे में रखा है और महरीन को सब कुछ शिब्रा के बारे में बता दिया है तो तुम्हारा क्या होगा। फराज जब ये सुनता है तो परेशान हो जाता है क्योंकि वो पहले ही बहुत परेशान है शामिर की वजह से। और दूसरी तरफ जब शिब्रा फजल बख्श के कमरे से आती है तो उसके बाप उसे देख लेता है और समझ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं।